मामला बदायूं जिले के थाना उसैत क्षेत्र के ग्राम मुंगरा महानगर का है, जिसमें गजराज पुत्र निरंजन के घर में आग लगने से लाखों का सामान, राशन, कपड़े, सोना चांदी, नकदी, घर में रखी लहसुन तथा तंबाकू जलकर राख हो गई। गृह स्वामी का कहना है कि किसी ने रंजिश के चलते आग लगा दी। किसान के घर में आग लगने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा रो रो कर बुरा हाल है। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि गजराज की पत्नी भी झुलस गई, लेकिन पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तथा लेखपाल ने भी मौके का मुआयना किया, लेकिन अभी तक गरीब किसान को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। गजराज सिंह, ये जो आपके घर में आग लगी, क्या कारण है इसका? अब जाता ना पता का कारण, लेकिन आग लगी है। कब लगी थी? आज दिन के 8 बजे लगभग। अच्छा, इसमें जो है किसी पर को किसने लगाई है? अब जब तो हम तो खेत पर गए थे, सब जने लड़का, हम सब जने खेत पर गए चाय पिए के, और खेत पर अपना काम जारी करते, जब तो देखिए ना पाई किसने लगाई किसने ना लगाई। अच्छा। जब मैंने खेत पर सुना है कि आँच लग गई तुम्हारे घर पर, तब हम वहाँ से भागे तो हमने देखी पूरी गांव बस्ती यहाँ पर झोंका मचो तो सब जान लिपटे पड़े थे। इसमें आपका नुकसान क्या क्या हुआ? हमारा नुकसान हुआ 75,000 रुपये रखे थे, हमारी बहू को जेवर था, हमारी पुत बहू का जेवर रखा था, तो वो सब जल गया। हमारी घर जो निकालने के लिए भागी भाग घुसी हैं उसमें, तो इनके आँच से जल गई, इनमें काफ़ी जल गई हैं, और इनके भी आँच लगी तो हम तो गए। क्या नाम है आपका? श्री देवी। श्री देवी जी, आप ये आपको मतलब कैसे जल गई? हम यहाँ से जरिए हमने सौदा निकालने के लिए वजह की जेवर निकालने के पैसा निकालने जेवर निकालने, हम सौदा जो कुछ निकाल पाए निकालने, तभी आँच लगी। अच्छा, और नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान तम्बाकू जरी, लाशन जरूर, अब सभी बस्ती जरी हमारी। अच्छा, आपकी झोपड़ी भी? झोपड़ी जरी अब हमारी है। इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस वाले आए थे और यहाँ देखभाल करके सब लिखा पढ़ी करके चले गए। अच्छा, और लेखपाल भी आए थे? हाँ, लेखपाल साहब। उन्होंने क्या बताया? वो भी लिखा पढ़ी करके चले गए हैं। अच्छा।